हाय गाइज, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने राशन कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप किस भी स्टेट से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, दिल्ली से हो, अदरवाइज इंडिया के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग्स करते हो। आप चाहते हैं आप अपना राशन कार्ड डाउनलोड करना है या किसी अदर पर्सन का, जैसे कि कोई होता है बगल का भी आता है बोलता है कि थोड़ा सा मेरा राशन कार्ड डाउनलोड कर दीजिए, आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे राशन कार्ड के अंदर कितने पर्सन का नाम ऐड है, कितने सदस्य हैं, तो उसको भी बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। और आपका राशन कार्ड अगर गुम हो गया, खो गया कहीं, या कहीं ज़रूरी है कुछ चीज़ें में लगाना है और राशन कार्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत ही सिंपल स्टेप है। चलिए हम इस चीज़ को यहाँ पर दिखाते हैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और गूगल पे यहाँ पे सर्च करना है NFSA। NFSA सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जो यहाँ पे फर्स्ट वाला वेबसाइट दिख रहा है NFSA.gov.in, यहाँ पे इसको आपको ओपन करना पड़ेगा राशन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। इस सारे प्रोसेस को आप अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं और लैपटॉप में भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जैसे कि ये वाला साइट दिख रहा है ना, यहाँ पे यही इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राशन कार्ड्स। इस जो राशन कार्ड दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक होगा व्यू राशन कार्ड डैशबोर्ड्स और सेकंड में आएगा राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल्स। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है दो नंबर पे जो दिख रहा है राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल्स, इस पर जैसे क्लिक करेंगे फिर हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया जो कि यहाँ पे बोल रहा है राशन कार्ड बेनिफिशियरी अंडर NFSA, और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने को बोल रहा है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं उसको सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम बिहार को सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें बिहार का राशन कार्ड को डाउनलोड करके एक चीज़ को दिखा देते हैं। आप सिंपली सारे स्टेप्स इसी तरह आपको फॉलो करना है, किसी भी स्टेट का आप राशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं सबका स्टेप सेम है। एक का मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। मैं बिहार पर जैसे क्लिक करूँगा फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा, यहाँ पर बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को, यहाँ पे जो आपको दिख रहा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करके और शो का जो बटन है यहाँ पे दिख रहा है, शो पे जैसे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका डिस्ट्रिक्ट में कितने राशन कार्ड्स है, कितने रूलर्स है, मतलब कि गाँव के कितने हैं, कितने अर्बन से शहर के कितने हैं। तो आपको आप जिस भी क्षेत्र से हैं उस पर क्लिक करना है। सिंपली हम रूलर से हैं तो हम इस रूलर से क्लिक करेंगे, अगर आप अर्बन से हैं तो अर्बन पर क्लिक करना होगा। ये जो अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करना होगा। चलिए हम यहाँ पे इसको क्लिक कर लेते हैं, रूलर्स हैं तो रूलर्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक किए तो हमारे सामने यहाँ पे ब्लॉक का नाम आ गया। आपको पता होगा कि बहुत जितने भी राज्य होते हैं, राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं, तो ब्लॉक्स का नाम यहाँ पे आ गया। आप जिस भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं उस ब्लॉक को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम किसी एक ब्लॉक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए इस ब्लॉक को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपको पंचायत का नाम सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिख भी रहा है, यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट करना होगा। आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो कौन सा आपका पंचायत पड़ता है। तो चलिए हम किसी एक पंचायत को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे जो विलेज होगा, जिस भी पंचायत को आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किए होते हैं, जैसे कि वार्ड नंबर होता है या किसी भी पंचायत को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किए होते हैं। आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया को आपको सेलेक्ट करना होगा। चलिए किसी एक एरिया को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे सामने क्या ऑप्शन आता है। देखिए जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए सारे राशन कार्ड आ गए। जिस भी एरिया का आप पे क्लिक किए उस एरिया का जितने भी राशन कार्ड धारक हैं वो सारे यहाँ पे शो करने लगा। देखिए यहाँ पे राशन कार्ड होल्डर्स नेम, राशन उसके बाद उनके फादर्स का नाम, नंबर ऑफ फैमिली कितने हैं, और यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर भी दिख रहा है आपको, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा। आप जिस भी राशन कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे देख लीजिए आपका नाम कौन सा है, और इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ना राशन कार्ड का, इस पर सिंपली क्लिक करना है। चलिए हम किसी एक को डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं। चलिए मान लीजिए हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो राशन कार्ड जो होगा मेरे सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए राशन कार्ड फाइनली आ गया है, यहाँ पर राशन कार्ड की विवरणी, उसके बाद यहाँ पे कार्ड धारक का नाम आ गया। फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कितने सदस्य हैं आपके राशन कार्ड में, ये सारे चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि कितने सदस्य हैं आपके राशन कार्ड में, यहाँ पे दिखाने लगा, जो कि बहुत ही आसान स्टेप्स है। और इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका राशन कार्ड गुम हो गया, भुला गया है, तो प्रिंट करने के लिए सिंपली प्रिंट पेज पे क्लिक करेंगे, आपका राशन कार्ड प्रिंट हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान तरीका है इसको डाउनलोड करने का। मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह का नया वीडियो देखने के लिए।